हाय, क्या आप अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉलर लेना चाहते हैं? तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जो एक स्ट्रॉलर लेने से पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बेबी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और आपको अपने बेबी के लिए प्रैम, स्ट्रॉलर, बग्गी और ट्रैवल सिस्टम में कौन सा लेना चाहिए, तो इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि एक स्ट्रॉलर में कौन कौन से फीचर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए जो हमारे बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट में सबसे पहला आता है सेफ्टी हार्नेस। किसी भी स्ट्रॉलर में बेबी की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी हार्नेस 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 5 पॉइंट में आती है, जिसका मतलब ये है कि सीट बेल्ट स्ट्रॉलर में कितने पॉइंट से जुड़ी हुई है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस वाला स्ट्रॉलर ही लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सेफ्टी सर्टिफिकेशन। कुछ स्ट्रॉलर सेफ्टी सर्टिफाइड होते हैं, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 1888 सेफ्टी सर्टिफाइड या अमेरिकन इंटरनेशनल ASTM रेगुलेटेड। हमें हमेशा सेफ्टी सर्टिफाइड स्ट्रॉलर ही प्रिफर करने चाहिए, क्योंकि इससे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉलर इंटरनेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बेबी के लिए बेस्ट स्ट्रॉलर कौन सा है, तो मैंने मार्केट में अवेलेबल टॉप 7 स्ट्रॉलर्स की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने 2500 से 25,000 तक के सभी स्ट्रॉलर्स को इन सभी मेट्रिक्स पे कंपेयर किया है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है ब्रेक्स। दोस्तों, स्ट्रॉलर में जनरली पीछे के ब्रेक्स होते हैं, पर अगर हमारे स्ट्रॉलर में आगे भी ब्रेक्स हैं तो ये एक अच्छी बात है। कुछ स्ट्रॉलर में लिंक ब्रेक्स होते हैं, जिससे हम एक ही बार में पीछे के दोनों व्हील्स लॉक कर सकते हैं। इनसे स्ट्रॉलर में ब्रेक लगाना काफी आसान हो जाता है, इसलिए हमें लिंक ब्रेक वाला स्ट्रॉलर प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्लाइनिंग सीट। हम एक स्ट्रॉलर अपने बेबी के कंफर्ट के लिए ही लेते हैं। स्ट्रॉलर की सीट को हम अलग अलग पोजीशन पे रिक्लाइन कर सकते हैं। इसे हम ऑलमोस्ट फ्लैट भी कर सकते हैं, जिसमें हम अपने बेबी को सुला सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्ट्रॉलर्स की सीट रिक्लाइन करती है, कुछ की 3 पोजीशन, कुछ की 4 और कुछ की 8 पोजीशन तक भी रिक्लाइन करती है। मेरे हिसाब से 3 पोजीशन रिक्लाइन काफ़ी है। बस हमें ये बात ध्यान देनी है कि स्ट्रॉलर की सीट कम्प्लीटली रिक्लाइन कर पाए, ताकि हम अपने बच्चे को इसमें सुला भी सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉलर की कैनोपी। कैनोपी बेबी को धूप और हवा से बचाती है। कैनोपी हाफ और फुल ऑप्शन में आती है। कुछ कैनोपी में एक विंडो भी होती है, जिससे आप अपने बेबी को और आपका बेबी आपको देख सकता है। कैनोपी हाफ लेनी चाहिए या फुल, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट अगर आपके स्ट्रॉलर का हैंडल रिवर्सिबल नहीं है, तो आपको विंडो वाली कैनोपी वाला स्ट्रॉलर लेना चाहिए, ताकि आप अपने बेबी को स्ट्रॉल करते हुए देख सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सिबल हैंडल। कुछ स्ट्रॉलर में पेरेंट हैंडल को आप रिवर्स करके चला सकते हैं। रिवर्स करके स्ट्रॉलर को उल्टा चलाने में आपको ये फायदा होगा कि आप अपने बेबी को देख सकते हैं, और इस तरह स्ट्रॉलर को चलाने से बेबी खुश भी बहुत होते हैं, क्योंकि वो आपको देख पाते हैं। जब मैं अपने बेबी के लिए स्ट्रॉलर ले रही थी, तो मैंने सोचा कि रिवर्सिबल हैंडल होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस ऑप्शन को मैंने कुछ बार ही यूज़ किया है, क्योंकि रिवर्स में स्ट्रॉलर को चलाना बहुत आसान नहीं होता। तो अगर आपके स्ट्रॉलर में जो कैनोपी है उसमें विंडो दी गई है, तो रिवर्स हैंडल होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टेबल हैंडल। अगर आपके स्ट्रॉलर में जो पेरेंट हैंडल है वो एडजस्टेबल है, तो आप उसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आप स्ट्रॉलर को आराम से पुश कर पाएँ। बट ये ऑप्शन मोस्टली एक्सपेंसिव स्ट्रॉलर्स में ही आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फीडिंग ट्रे। कुछ स्ट्रॉलर्स में फीडिंग ट्रे होती है और कुछ में बम्पर बार। अगर आपके बेबी के स्ट्रॉलर में फीडिंग ट्रे है, तो ट्रैवल करते समय आप उसी फीडिंग ट्रे में बेबी को फूड सर्व कर सकते हैं। आपको फीडिंग ट्रे वाला स्ट्रॉलर लेना चाहिए या बम्पर बार वाला, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। वैसे मैंने अपने बेबी के लिए फीडिंग ट्रे वाला स्ट्रॉलर लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों स्ट्रिल लॉक। स्ट्रॉलर में जो आगे व्हील्स होते हैं, वो 360 डिग्री रोटेट करते हैं। स्ट्रिल लॉक स्ट्रॉलर के फ्रंट व्हील्स को एक फिक्स पोजीशन पे लॉक कर देता है, जिससे हमें अनइवन टेरेन पे स्ट्रॉलर चलाने में स्टेबिलिटी मिलती है। मेरे पास जो स्ट्रॉलर है उसमें स्ट्रिल लॉक है, बट ये फीचर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप बेबी को स्ट्रॉलर में लेके जॉगिंग वगैरह पे जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो सकता है। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बहुत रिसर्च करती हूँ और आपको हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
मैं अपने चैनल पर पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपडेट करती रहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।